तो जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट शिफ्टर में से, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं एफईओ का क्रिस्टल लेता हूं, तो इसमें एफईओ के क्रिस्टल में सम मेटल एटम्स आर मिसिंग। कौन से मिसिंग है? मेटल। मेटल मींस कैटायन मिसिंग। और उसके साथ एक फिनोमिना होता है कि अदर एटम्स एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक Fe+3 और बना दूं मैं, तो अदर एटम्स एक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा बी ऑप्शन है शॉर्ट की डिफेक्ट। ये तो है कैटायन मिसिंग है, तो कैटायन डेफिशिएंसी या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि बोथ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं NaCl का क्रिस्टल लेता हूं, तो Na+Cl- इस तरीके से, ठीक है, Na+Cl-। अब क्या होगा, एक Cl- निकल जाए, एक Na+ निकल जाए और क्रिस्टल से पूरा बाहर निकल गया। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे स्टोइकोमेट्री मेंटेन रहती है। बोथ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग एंड स्टोइकोमेट्री इज अनचेंज्ड। तो ये अपना डिफेक्ट आता है शॉर्ट की डिफेक्ट में। अब तीसरे डिफेक्ट के बारे में बात करता हूं मैं, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जांपल लेता हूं मैं कि जैसे सपोज कीजिए मैं क्रिस्टल बनाता हूं AgBr बना रहा हूं मैं एक्चुअली, AgBr-, ठीक है, इसको टच करता हुआ Br-, ठीक है, इसके बाद Ag+, फिर Br-, इस तरीके से। अब ऐसा होगा कि यहाँ पर ये जो वैकेंट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है एटम्स के बीच में, ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट। अब यदि ऐसा हुआ कि कोई एटम बहुत स्मॉल है, जैसे यहाँ पर Ag+ का साइज कम होता है Br- से, अगर कोई एटम बहुत छोटा होगा तो वो अपनी रेगुलर साइट छोड़कर और वो एटम आ जाता है इस इंटरस्टिशियल साइट में, तो Ag+ आ गया इसके अंदर। तो यदि स्मॉल एटम, हम डेफिनेशन बोले फ्रेंकल की, इफ स्मॉल एटम लीव्स इट्स रेगुलर साइट एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब एटम्स के बीच की खाली जगह, ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, देन दिस डिफेक्ट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। और ये रीअरेंजमेंट है अंदर के अंदर ही, तो स्टोइकोमेट्री इज नॉट चेंज्ड, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफेक्ट क्या होते हैं, ये आते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में, सॉरी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। दोनों में स्टोइकोमेट्रिक चेंज जो है वो नहीं होती है। इसमें एटम्स पूरी तरीके से बाहर चले जाते हैं, इसमें अंदर के अंदर ही रीअरेंजमेंट होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज प्रेजेंस ऑफ कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। अब इसकी जगह एनायन भी लिख सकता था। पॉइंट ये है कि जो छोटा होगा वो खाली जगह में आएगा, तो कैटाइन चूंकि छोटा है होगा तो इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा, वहीं का वहीं अंदर रीअरेंजमेंट होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए।